मैं विजय श्रीवास्तव 24 टाइम्स टुडे से। सबसे पहले 24 टाइम्स टुडे के पूरे परिवार की तरफ से भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने के लिए हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश जश्न मना रहा है, पुरस्कारों व उन्हें सम्मानित करने की झड़ी लगी हुई है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यहाँ तक कि उनके गाँव में भी जश्न का माहौल है। ओलंपिक में इस कामयाबी पर लोग झूम रहे हैं। नीरज के परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नीरज के वापस लौटने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल लाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें 6 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। इसके साथ उन्हें 1 क्लास की नौकरी का भी ऑफर किया गया है। भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल दिलाकर नीरज ने जो इतिहास रच दिया है उसको भारत कभी नहीं भूलेगा। वैसे भारतीय थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड के पहले प्रयास में ही 86.65 मीटर के थ्रो के साथ भारत की पदक की उम्मीदें बढ़ा दी थी और फिर इसके बाद फाइनल में इस भारत के स्टार भाला फेंक एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को गोल्ड मेडल अपने नाम कर इतिहास ही रच दिया। भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड जिताकर नीरज चोपड़ा ने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया, वहीं खेल की दुनिया में भविष्य देख रहे हजारों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का भी काम किया है। नीरज जेवलिन थ्रो में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। यह ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में भी भारत का पहला मेडल है। नीरज ने चेक रिपब्लिक के याकूब वाल्देज को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वैसे भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। आइए नीरज के जीवन की एक उस घटना को हम देखते हैं जिस समय उन्हें जब 200 रुपये का भाला टूटने पर डांट पड़ी थी। बताया जाता है कि नीरज द्वारा एक अभ्यास के दौरान उनका 200 रुपये वाला बांस का भाला टूट गया, जिस पर सीनियर खिलाड़ी ने नाराजगी जताते हुए कहा था, खेल विभाग से और भाले अब नहीं मिलेंगे, अब आगे हम कैसे अभ्यास करेंगे। नीरज ने पलटकर उस समय जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन इतना जरूर ठान लिया था कि मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि भविष्य में महंगे से महंगे जेवलिन भाले की कमी नहीं दिखेगी। वैसे 10 वर्ष पहले 13 वर्ष की अवस्था में नीरज ने जब शिवाजी स्टेडियम में जब पहली बार भाला फेंक कर तो वह 26 मीटर दूर तक गया था। उस समय उनके हाथ में भाला थमाने वाले जयवीर सिंह व जितेंद्र जागलान भी उस समय आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि 1 वर्ष के अभ्यास के बाद भी अन्य खिलाड़ी 26 मीटर की दूरी तय नहीं कर पा रहे थे। आज उनके लगन व परिश्रम का ही फल है कि आज उन्होंने देश का गौरव ऊंचा करते हुए जहां गोल्ड मेडल दिलाया, वहीं खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। नीरज ने अपना स्वर्ण पदक को मिल्खा सिंह को समर्पित करते हुए कहा कि मैं यह पदक मिल्खा सिंह को समर्पित करता हूं। वह चाहते थे कि कोई भारतीय एथलेटिक में ओलंपिक पदक जीते, काश वह आज जिंदा होते और मुझे देख पाते। यह पहली बार है जब भारत ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अविश्वसनीय लगता है। हमारे यहाँ अन्य व्यक्तिगत खेलों में भी सिर्फ 1 स्वर्ण पदक था। यह काफ़ी लंबे समय के बाद हमारा पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। यह मेरे और मेरे देश के लिए गर्व का क्षण है। क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने बहुत अच्छा थ्रो किया, इसलिए मुझे पता था कि मैं फाइनल में बेहतर कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह स्वर्ण होगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ देने आया था और मैंने ऐसा ही किया। कभी 200 रुपये 7000 रुपये के लिए तरसने वाले नीरज के पास आज 1.5 से 2 लाख रुपये की कीमती भालों की संख्या लगभग दर्जन भर है। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मन व लगन से कुछ भी किया जाए तो वह जरूर पूरी होती है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, तू रख यकीन बस अपने आप पर, कल तू जरूर कामयाब होगा। जो लोग आज तुम्हें नाकामयाब समझते हैं, कल को वही तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।